मेरे सपने को साकार कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सपने को साकार कर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे। सेनापति अपना काम करना शुरू करते हैं, जो भी प्रेत यहाँ हो सेनापति माल लगाना तुरंत शुरू करते, किसी भी प्रेत को ना बख्शा जाए। नर नारी के रूप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए एक एक को चेक करना शुरू कर देते। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे। मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ रख दीजिए। सेनापति बहुत जल्दी करे, किसी को भी ना बख्शा जाए। जो भी प्रेत वास करे मैं तुमको सब पे माल लगाओ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी को ना बख्शो। सभी सेनापति ध्यान दें, जितने भी पांडाल में सेनापति भेजे सब पर चिंता बजाओ, किसी को भी ना छोड़ो। जिसके ऊपर भी प्रेत वास हो चाहे ढाकनी चांकनी सुड़ैल जो भी है उस पर तुरंत माल लगाई जाए, तुरंत ही दास की आज्ञा का पालन करो। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान।
हनुमान जी प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी मेरे सपने को साकार कर दीजिए मेरे सपने को साकार कर दीजिए राम सीता का दर्शन करा के मुझे राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए सेनापति ध्यान सुनने मार लगाना तुरंत बंद कर दे। कोई भी सेनापति किसी भी प्रीतम मारना लगाए सेनापति आदेश किया जाएगा। अगर कल्पना से दरबार लगाया जाएगा तो सभी सेनापति उपस्थित होंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रधान सरकार की जय हो। आप सभी यहां से सत्संग प्राप्त करके अपनी पवित्र कुटिया के लिए प्रस्थान करेंगे और जिनके घरों से ये लोग जो आपके सामने दरबार में सेनापतियों के द्वारा जिनकी पिटाई की जा रही है इन लोगों को धाम की पेशी जरूर करा दें ताकि ये पुनः से आपके घर में चिराग जलने लगे पुनः से घर सुरग हो जाए। इन प्रेतों ने कई घर बर्बाद करके रख दिए हैं। कई घरों में प्रेतों ने कई हत्याएं करा दी हैं। इसलिए धाम की पेशी अवश्य करा दें और धाम की पेशी का एक रुपए कोई लेन देन नहीं होता है। वहाँ कोई खर्चा नहीं लगेगा आपसे। वहाँ कोई आपसे ये भी नहीं कहेगा कि फलानी चीज भी लेके आई है। हवन होता है तो वहाँ हवन के लिए सामग्री भी आपसे नहीं मंगाई जाएगी। ये उस धाम का चमत्कार है कि आप जाएं और वहाँ आराम से आहुति दें और लौट के चले आएं आराम से सत्संग सुरवट करें। तो जो भी भक्त हैं अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान करें लेकिन कल का विशेष ध्यान रखें। खासकर माताएं हमारी 1 बजे रोटी नहीं खानी है कल। यहाँ भंडारा पाना है। 12-12 रोटी खींच खींच के आई जे तो घर में सो के आई उसके बाद उठ के आई जे।
यही प्रसाद पाना। और हमने मना किया था, चौहान नगरा वाले ने कल अगर अपने चूल्हे पे भोजन बना लिया तो संजा के सबके मूड में पीर हो गई। कही थे हमने प्रसाद पियो, प्रसाद ना पा रहे साहब, गरम मटर पनीर खाने के चक्कर में पड़े हो, प्रसाद पाओ है ठीक है। आज शाम को सब लोग पाने के लिए, कितने भक्त हमारी बात मानेंगे, कितने पाने के लिए आएंगे। तुम्हें सब हमारी किस्म है, सब आई हुई। अब जो हमें अपो मान दो तो आइयो, और पराव मान दो तो घर आराम से। ठीक है, और जिसे सेवा देनी हो वो तो कच्चा राशन शाम को अपना घर से, जो भी हो किसी को भी जो पहुंचाना हो भंडारी के पास जमा करा देना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।